हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। घड़ी में बज रहे हैं 7:25 और मैं अभी अपना कान में एक ईयरफोन लगाया हूँ और उसमें एक गाना सुन रहा हूँ जिसका नाम है कर हर मैदान फतेह। अगर आज चीज नहीं हुई तो मुझे कैसा लगेगा। मैं वही सोच रहा था कि एक्चुअली हुआ गया ना, मैं 5-6 घंटे बाहर चला गया था तो सर दर्द अभी हो रहा था कुछ देर पहले, लेकिन मैं फिर भी बैठ गया चेयर पे, करना है तो करना है। अभी गाने में बोले घायल परिंदा है तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मैं लगता है कि कुछ चीजें नहीं कर पाता तो ये गाना बजा लेता हूँ आराम से और करते रहता हूँ, करना है तो करना है। आप हमारे साथ बोल करेंगे इस बार, IPCC पास करके रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। बढ़िया गाना। चलिए अभी स्टॉप करते हैं सॉन्ग को, या फिर थोड़ा स्लो कर देते हैं और पढ़ते हैं। ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक? आउटबाउंड लॉजिस्टिक रिलेट टू कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपना पूरा एफर्ट दो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। IPCC क्लियर करना है तो करना है, एकदम ठान लो, माइंडसेट बना लो, चीजें हो जाएंगी। एक बात मानो, माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्किल सेट। व्हेन यू हैव अ माइंडसेट देन यू कैन अचीव एनीथिंग। सो मेक योर अ प्रॉपर माइंडसेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक रिलेशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। कलेक्शन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये कलेक्शन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेट करता है। व्हाट? कलेक्शन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्शन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को मतलब प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज सच एज स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ द फिनिश गुड्स। क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड करेगा? स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग डिलीवरीज, डिलीवरीज को शेड्यूल करना, ऑपरेशन ऑफ द डिलीवरी, ऑपरेशन ऑफ डिलीवरी, ऑपरेशन ऑफ द डिलीवरी व्हीकल। तो क्या क्या चीजें शुरू से लेके अंत तक, मतलब हम आपसे ऑर्डर लिए, फिर उसको प्रोसेस किए, स्टोरेज वेयर हाउस किए, फिर आपसे क्या क्या शेड्यूल किए, ऑर्डर और प्रोसेस किए, फिर डिलीवरी किए। ठीक है, ये रहा ऑर्डर प्रोसेसिंग हुआ, शेड्यूलिंग हुआ, फिर डिलीवरी हो गया। सो दिस इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, नाउ मूव टू द वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? पहले से बताया हुआ है, आप क्वेश्चन अगर प्रीवियस वीडियोस में आप देख रहे हैं तो आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। गेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी बताया हुआ है, लेकिन ये प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्योंकि ऐसा इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो देखते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है? इज अ यूनिट ऑफ द कंपनी दैट हैज अ सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव विच कैन प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर बिजनेसेस। व्हाट द अदर बिजनेसेस, व्हाट The company has a separate mission. The company has separate mission. Company के पास क्या है? Separate mission है, separate mission and objectives. Separate mission and objective which can be planned, जो कि planned हो सकता है, which can be planned independently, जो कि independently planned हो सकता है from other company businesses. ठीक है, from other company businesses. SBUs can be company division. SBU क्या हो सकता है? Can be a company division, a product line within a division. और SBU क्या हो सकता है? एक company का एक division हो सकता है। जैसे मेरा कोई अगर production कर रहा हूं तो मेरा कोई अलग एक division हो गया। अमूल का एग्जांपल हूं तो अमूल का डेयरी का एक प्रोडक्ट है, और भी कोई प्रोडक्ट होगा, चॉकलेट का, आइसक्रीम का एक प्रोडक्ट लाइन ही अलग है, तो उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल क्या होता है?
क्या होता है प्रेमाइस कंट्रोल, अ स्ट्रेटजी इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस और प्रेमाइसेस अबाउट कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अ स्ट्रेटजी इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस के ऊपर फॉर्म होती है, और प्रेमाइसेस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। द प्रेमाइस कंट्रोल इज अ टूल फॉर सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, what to verify the validity and accuracy of the premises on which a study has to be built। क्या बात है भाई, क्या मस्त चीज है ना। ये क्या बोल रहा है कि premise control is a tool, what premise control, premise control is a tool, ये क्या है, tool है for systematic एंड कंटिन्यूअस, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट फॉर कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट, किस लिए, टू वेरीफाई द वैलिडिटी, टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइसेस, टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइसेस which the strategy has been built, which the strategy has been built, जहाँ पे strategy बनी है। It primarily involves monitoring of the two types of the factors, दो चीजों के factors को it monitor करता है, पहला है, दूसरा है environmental factors, industry factors, दो factors हैं, such as economic and liquidity, interest rates, our competitor, supplier और substitutes, इन तीन दोनों को monitor करता है, ठीक है। It is neither feasible nor desirable to control all types of the premises in the same manner. ऐसा नहीं है कि सारी को एक ही जैसे से हम कंट्रोल करें और मैनेज करें। Different premises may require different amount of the control. Different premises को different amount of the control की जरूरत है। Thus managers are required to select those premises that are likely to change and would severely impact the functioning of the organization and its strategy. तो managers को क्या करना चाहिए? It is advisable are required to select those premises that are likely to change and would severely impact the functioning of the organization and its strategy. तो उन्हीं को चूज करें जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और वो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। Now move to the next question, that is question number 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 select करते हैं पहले। Efficiency and effectiveness means the same. क्या बात, same. क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी सेम होता है क्या? करेक्ट एंड करेक्ट, आपको बताना है, ठीक है। प्राइमरली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज एन ऑपरेशन प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बोला प्राइमरली जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक ऑपरेशनल प्रोसेस और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, आपको बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट। स्ट्रेटजी फॉलो स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेटजी फॉलो करती है स्ट्रक्चर्स को, ये बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। स्ट्रेटजी में रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, करेक्ट है इनकरेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एज वी यू कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट मल्टी बिजनेस ऑपरेशन, करेक्ट है इनकरेक्ट। मल्टी बिजनेस ऑपरेशन को आपके जो दो आंसर यहीं पे दिख रहे हैं, आप देखे नहीं होंगे, हमको पता है, आप बहुत ईमानदार इंसान है, हमें पूरा विश्वास था आपके ऊपर। इनकरेक्ट। Efficiency pertains to designing and achieving suitable input-output ratio. Suitable input or output ratio. Efficiency design ratio को maintain करने के लिए, ठीक है? Ratio of the funds, resources, facility and efforts, whereas effectiveness is concerned with organization's attainment of the goals, including that of the desired competitive position. और इफेक्टिवनेस किसी कंसर्न रहता है, इफेक्टिवनेस कंसर्न रहता है विद द ऑर्गेनाइजेशन अटैचमेंट ऑफ द गोल्स, उसके गोल से। तो ये रहता है इनपुट आउटपुट से, ये रहता है गोल से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इनकरेक्ट। प्राइमरली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस और जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आंसर इज गलत, रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज प्राइमरी एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है, ये बोल रहा है कि ऑपरेशनल प्रोसेस है, नहीं, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज प्राइमरी एन ऑपरेशनल प्रोसेस। तो इसे सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर दिया है, आप भी रिवर्स कर दीजिए और स्टेटमेंट को बताइए कि ये इनकरेक्ट है। देखिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज एन ऑपरेशनल, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटेलेक्चुअल और इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा ऑपरेशनल प्रोसेस। तो वो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, आप ऐसे करके सही कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेटजी फॉलोज स्ट्रक्चर, आंसर क्या होगा, स्ट्रेटजी फॉलो करता है स्ट्रक्चर्स को। लेट्स सी,
आंसर इज इनकरेक्ट, नहीं फॉलो करता। स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू फैसिलिट द स्ट्रेटेजिक परस्यूट ऑफ अ फर्म एंड देयरफॉर फॉलोज स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन, जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू फॉलो स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वही चीज, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे स्ट्रेटेजी को, ना कि स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रेटेजीज में रिक्वायर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, बोला स्ट्रेटेजीज में रिक्वायर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेटेजी से क्या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं? स्ट्रेटेजीज में रिक्वायर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एज द स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। स्ट्रेटेजी में रिक्वायर चेंजेस, स्ट्रेटेजी हो सकता है चेंजेस को रिक्वायर करे। स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रक्चर्स शुड बी डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स। स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स को फुलफिल करने के लिए, जो हमारी स्ट्रेटेजी डिमांड करेगी उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। द आंसर इज करेक्ट कि कभी कभी चेंज हो सकता है। SBU concept facilitate multi-business operational. SBU का जो concept है वो facilitate करता है multi-business operations को। आपका क्या कहना है? Correct है, incorrect? Answer is correct. क्यों? Organizational businesses along SBU's lines and creating strategy business unit has become a common practice of all multi प्रोडक्ट सर्विस एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सबके पास, जिसके पास मल्टी प्रोडक्ट है, वो सारे लोग एसबीयू लाइन बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इट इज अ कन्वीनियंट एंड इंटेलिजेंट ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज अलोंग विद डिस्टिंक्ट बिजनेसेस एंड हैज रिप्लेस द कन्वेंशनल ग्रुपिंग। एसबीयू फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो अपना स्टेटमेंट क्या है कि आजकल क्या है कि सारे लोग ट्रेडिशनल ग्रुपिंग न करके स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स बना लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट मल्टी बिजनेस ऑपरेशन, हाँ, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रहता है, मल्टी प्रोडक्ट सर्विसेज रहते हैं, उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। कल्चर प्रमोट बेटर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक बेटर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन देता है। आंसर बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। और कोर कॉम्पिटेंसी इज यूनिक स्ट्रेंथ। कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गन विच मे नॉट बी श्योर अदरवाइज। करेक्ट है इनकरेक्ट। एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ऑलवेज एन ऑब्स्टेकल टू सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। आप बताइए एक ऑब्स्टेकल है या फिर ब्लेसिंग है। अ कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑलवेज आइडेंटिकल। एक कॉर्पोरेट कल्चर हमेशा आइडेंटिकल रहता है, एक ही जैसा रहता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में। आंसर बताइए इनकरेक्ट है करेक्ट। रेजिस्टेंस टू चेंज इज एन इम्पीडियंट इन बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेटेजी सपोर्ट कॉपरेटिव कल्चर। बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। तो लेट सी वन बाय वन। क्वेश्चन आपको याद है, स्ट्रेटेजी कल्चर का रिलेशन पूछा था कि क्या कल्चर प्रमोट बेटर स्ट्रेटेजी एजुकेशन। आंसर इज करेक्ट। अभी करेक्ट क्यों है देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग कल्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। एक जहां पे स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो अच्छा स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रमोट करेंगे। व्हेन देयर इज अ फिट एंड हर्ट एग्जीक्यूशन, व्हेन देयर इज अ नेग्लिजिबल फिट। अ कल्चर ग्राउंडेड इन वैल्यूज प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियरल नॉर्म्स दैट मैच व्हाट इज नीडेड फॉर द गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन हेल्प्स एनर्जाइज पीपल थ्रू आउट द कम्युनिटी टू देयर जॉब इन स्ट्रेटेजी सपोर्टिव मैनर एडिंग सिग्निफिकेंटली पावर टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द। देखो, अच्छी कल्चर रहेगी आपका ऑर्गेनाइजेशन में तो ये लोगों को क्या करेगी, एनर्जाइज करेगी, मोटिवेट करेगी कि आप इसको अचीव करिए। कंपनी का है, सिर्फ हमारा आपका नहीं है, सबका है। इज अ यूनिक स्ट्रेंथ कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्ट्रेंथ है। आंसर इज यस। आइए देखते हैं कैसे।
कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, विच मे नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स, जो कि दूसरों से शेयर नहीं हो सकती। बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, इट इज लाइकली टू जनरेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। अगर आप कोई भी एक चीज में कोर कॉम्पिटेंट हो गए तो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ऑलवेज एन ऑब्स्टेकल टू सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या कल्चर हमेशा एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है आपको बताना है। इन करेक्ट, कंपनीज कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन द वैल्यूज एंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। एक कंपनी का कल्चर कहाँ रहता है, उसके वैल्यूज में रहता है और बिजनेस प्रिंसिपल्स में। दैट मैनेजमेंट प्रीचेस एंड प्रैक्टिसेस द बिलीव विजन द बिलीव विजन ऑब्जेक्टिव्स एंड द बिजनेस अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस अंडर अंडरपिनिंग अ कंपनीज स्ट्रेटजी मे बी कॉम्पिटेटिव विद इट्स कल्चर और मे नॉट बी। कॉम्पिटेटिव हो भी सकता है, कॉम्पिटेबल हो सकता है और नहीं भी, तो बट ये आप बैरियर नहीं बना सकते। When they are compatible, the culture becomes a valuable ally in necessary implementation and execution. ये जब ये पूरी तरीके से valuable हो जाता है तो ये इसके लिए properly काम करता है। Implementation एक implementation को successful बनाता है, ना कि obstacle की तरह रहता है। Corporate culture is always identical in all organization। क्या corporate culture हर organization में आम बात है, एक ही जैसा होगा। Every company has its own organizations. कल्चर तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करें, आई हमने कुछ और पढ़ दिया था क्या? तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सबका एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर होता है, कल्चर होता है। ईच हैज इट्स ओन बिजनेस फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल, सही बात है। इट्स ओन वे ऑफ अप्रोचिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजंस। अपना एक ही तरीका, अपना अलग ही तरीका होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपने वर्क को डन करना, वर्क एथिक्स को फॉलो करना। देयरफॉर कॉर्पोरेट कल्चर्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, सबका अलग अलग बात है, वही मैं बोल रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिकल नहीं होंगे सब में अलग होगा। आंसर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज इज एन इंपीडियंट। बताना है कल्चर, बताना है क्या एक रुकावट की तरह काम करेगा। रेजिस्ट टू चेंज, अगर आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो करेक्ट। हाँ, जब आप बदलाव नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू द कंपनीज वैल्यूज बिलीव्स बिजनेस पॉलिसीज ट्रेडिशंस वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक सपोर्टिव कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेटिव कल्चर। रेजिस्टेंस कैन इम्पेड द सक्सेस, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्ट करोगे आप चेंज से। अगर आप रेजिस्ट करते हो चेंज ना होने के लिए, तो फिर आप तो गलत हो गई। आप बदलाव नहीं करोगे तो दुनिया आपको बदल के रख देगी और आपका क्या होगा, आपसे बुरा कोई नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन नंबर टू तक हो गया, इस चैप्टर का अभी क्वेश्चन नंबर थ्री बाकी है, तो वो हम लोग करते हैं अब इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। करें वीडियोस लाइक कर दो, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पसंद आ रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।